आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि मॉड्यूलर शीट के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं और शीट कैसे फिट की जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो शीट है ये 18 मॉड्यूलर की शीट है। ये 18 मॉड्यूलर की शीट है हमारे दोस्तों मेरे हाथ में। ये देखिए दोस्तों, ये 18 मॉड्यूलर की शीट है, बहुत हैवी शीट है ये। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे कनेक्शन कर दिया है। ये हमारा न्यूट्रल गया है इसके अंदर, ये न्यूट्रल हमारा इंडिकेटर में चला गया है और ये फेस इंडिकेटर का हमने इसमें दे दिया, ये हमारा फेस में ही जा रहा है। ये हमारे रेगुलेटर के कनेक्शन हो रहे हैं, ये दो स्विच और एक रेगुलेटर का, एक पाइप हमारा इन्वर्टर से है। ये दो स्विच जो थे हमारे इन्वर्टर से हैं। ये न्यूट्रल हमने 5 पिन के एक टर्मिनल में से लेकर दूसरे टर्मिनल में लगाया है और फिर उसके बाद इंडिकेटर में लेंगे। और रेगुलेटर का हमने तार एक इसमें दे दिया, इन्वर्टर वाले इसमें, देखिए दोस्तों। और ये हमारा बिजली का फेस इन सारे स्विचों में टच हो गया है। हमने इसमें इन्वर्टर के 3 स्विच किए हैं, इन्वर्टर के हमारे 3 स्विच हैं, एक 5 पिन है हमारा इन्वर्टर का। तो दोस्तों, ये हमने नीचे ही शीट के कनेक्शन नीचे कर लिए हैं। अब हम इस शीट को बोर्डों के जो वायरिंग आई हुई है उसमें हम इसे लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी वायरिंग, ये हमारा रेड कलर का जो है फेस है, ये फेस है हमारा, ये फेस जाने सारे में इंडिकेटर तक में चला गया। ये हमारा ग्रीन कलर का इन्वर्टर है, ब्लैक कलर का हमने इसमें न्यूट्रल दिया है और वाइट कलर की मेरी सारी हाफ हैं और 2 पीले कलर की हैं। ये पीले कलर की 2 हाफ हमने इसलिए लिए हैं, एक हमारा फ़ैन की हो गई और एक इन्वर्टर के कनेक्शन, जो इन्वर्टर की ट्यूब है उसका अलग अलग हमने उसके हाफ अलग के अलग डाल दिए। ये सारी हाफें जा चुकी हैं इसके अंदर। ये रेगुलेटर है हमारा, ये रेड कलर का फेस है, ग्रीन कलर इन्वर्टर है और ब्लैक कलर का हमारा न्यूट्रल है और ये हमारी सारी हाफ है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।